नमस्कार, जनता दरबार में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा। खबरें एक झलक में नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट का बुधवार को दूसरा दिन रहा। पीएम मोदी दो मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने कहा, ब्रिक्स देशों को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा, इस पर दोहरे रवैये नहीं होने चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने एक भव्य रोड शो का आयोजन किया, जिसमें उनके साथ राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। यह प्रियंका गांधी का पहला चुनाव है। विमानों को बम की धमकियों के मामले में बुधवार को आईटी मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और एयरलाइन कंपनियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। सरकार ने पूछा कि आपने इन खतरनाक अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए क्या किया। जो हालात हैं उनसे जाहिर होता है कि आप जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई अस्थिरता का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। दीपोत्सव का पर्व शुरू होने से पहले ही भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 500 रुपये और चांदी की कीमत में 1700 रुपये की तेजी आई है। दीपावली को लेकर बाजार में तैयारियां शुरू हो गई। ग्राहकों को खरीदारी के लिए कई जगहों पर आकर्षक ऑफर के साथ गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। दीपावली पर खरीदारी की शुरुआत गुरु पक्ष नक्षत्र यानी 24 अक्टूबर गुरुवार से होगी। इस दिन से लेकर 3 नवंबर तक खरीदारी के कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस मौके पर राशि के अनुसार खरीदारी पर लाभ पा सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।